हाय दिस इज मयंक शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग मैथ्स गुरु मयंक चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इस टॉपिक की खास बात यह है कि इससे एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, और वो भी 6 मार्क्स का। ना तो इससे 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है, ना 2 का आता है, ना 4 का आता है, आता ही नहीं। सिर्फ 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, और वो एक क्वेश्चन के लिए ही आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है। मतलब 6 मार्क्स आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और किस टाइप का ये टॉपिक है वो आप समझते होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसके बेसिक ना जानने की वजह से स्टूडेंट्स इस टॉपिक को नहीं कर पाते। तो पहले हम लोग इसके बेसिक को डिस्कस करेंगे कि आखिर इस टॉपिक में क्या होता है, और उसके बाद बोर्ड में आए हुए 1 या 2 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। तो बेसिक में इसके आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग इसमें किसी कर्व का एरिया फाइंड करते हैं। जैसे आपको कोई कर्व दिया गया है, यहाँ पर मैंने एक कर्व बनाया जो कि जिसकी इक्वेशन है y = fx। ये यहाँ पर y = fx कोई भी कर्व है। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो मुझे एक डेफिनेट वैल्यू पर इसका एरिया निकालना पड़ेगा। मतलब हम लोग एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया हमें चाहिए होगा। ये पॉइंट हमारा x = a होगा, और ये पॉइंट हमारा x = b होगा। अब हमें इसका एरिया अगर चाहिए है तो हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं dx, जिसको हम लोग dx बोलते हैं। ये x के ऊपर स्ट्रिप हमारी पड़ती है। फिर होता क्या है, हमें जो इसमें निकालना होता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व, वो होता है y dx का इंटीग्रेशन, और वो भी कहाँ से, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, मतलब x = a से लेकर के b तक, जहाँ पर भी ये लिमिट होगी। फिर हमें y की वैल्यू डालनी होती है जो कि है fx। तो फाइनली हमें मिलता है a से b fx dx, हमें फाइनली मिलता है a से b fx dx। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। कई बार आपने देखा होगा कि आपको फिगर अगर कभी इस तरफ के लिए मिलता है, तब आपका थोड़ा सा ये चेंज होता है। आपको यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है y = a, ये y = b, ये जो होता है वो आपका हो जाता है fx = fy x = fy। तो जो आपका एरिया होता है वो निकल के आता है a से b ही हम लोग निकालते हैं, और ये आपका x dy होता है, क्योंकि जो ये स्ट्रिप पड़ती है वो dy की होती है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं जो कि आती है हमारी f/dy। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। कई बार यहीं पर अगर आपको एक और कर्व दिया गया हो, इसी के साथ में आपको बता रहा हूँ, तो उसकी इक्वेशन कुछ और होगी और आपको ये एरिया निकालना हो, यानी एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स। अगर आपको इनका 2 का एरिया निकालना हो तो आपके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप ये जो पहली वाली इक्वेशन है और ये दूसरी वाली इक्वेशन है, इन दोनों को बस यहाँ पर माइनस करा दीजिए। अगर मैं इसी को आगे यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं इसको y1 ले लेता हूँ, और दूसरे वाले को मैं y2 ले लूँगा, और बाद में ये fx है तो दूसरा जो y2 है हमारा वो हम लोग gx ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये a से b gx dx आ जाएगा। इसको हम लोग साथ में भी लिख सकते हैं अगर लिमिट सेम है तो। और माइनस हम लोगों ने इसलिए इसको किया है क्योंकि इसका जब हम लोग एरिया निकालेंगे fx का, तो पूरा एरिया निकल आएगा। जब हम लोग gx का एरिया निकालेंगे तो नीचे का एरिया निकल के आएगा। हमें इन दोनों के बीच में जो बाउंडेड है वो एरिया चाहिए, तो वो जब एरिया चाहिए तो इस पूरे में से इस एरिया को माइनस कर देंगे। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐड करना पड़े, वो एज़ पर आर क्वेश्चन हम लोग को समझना पड़ेगा। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए वो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, और इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना ना अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो करना
तो फिर आप फंस जाओगे, हर एक क्वेश्चन में आप फंसोगे। तो पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि क्वेश्चन ऑफ पैराबोला, पैराबोला जो इस तरफ बनता है उसकी क्वेश्चन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, ठीक है। यहाँ पर ए कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जो इस तरफ के लिए बनेगा वो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स। जो ऊपर को बनता है वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई। जो डाउन साइड के लिए बनता है उसका होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। क्वेश्चन में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी अगर आपके चारों फिगर सही से पता है। जो सर्कल होता है अगर हम लोग बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर इसका ओरिजिन ले लिया, अगर मैंने सेंटर ओरिजिन लिया है उस कंडीशन में इसकी क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर। ए यहाँ पर रेडियस के लिए है, जो भी रेडियस आपकी होगी, हालांकि इसमें तो रेडियस यही हो जाएगी ए कॉमा जीरो। लेकिन अगर इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, अगर इस ये कहीं और लाई कर रहा है, इसका सेंटर एच कॉमा के है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता, उस कंडीशन में हम लोग लिखते हैं एक्स माइनस एच वाई माइनस के इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो भी रेडियस आपकी होगी उस सर्कल की। तो वहाँ से यहाँ से आप निकाल लेंगे। उसके बाद लास्ट आपका आता है एलिप्स। एलिप्स जो होता है वो आप उसकी क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पर भी जो इसकी जो इसका जो सेंटर या इसकी जो वर्टेक्स कह लें वो उस ओरिजिन पर ही है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई। हालांकि इसमें जो होता है जनरली आपका जो यहाँ पे ओरिजिन ही होता है, इस वजह से इतना ही पढ़ना आपके लिए बहुत है। क्वेश्चन तो आ सकता है बट अभी तक आया नहीं है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं ले। लेकिन अगर सर्कल के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि एच और के होता है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये अगर आपको नहीं आती हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में। और दूसरी चीज़ आपको जो आनी चाहिए वो इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई भी आपको अगर पॉइंट्स दिए गए हैं, कोई भी पॉइंट अगर आपको दिए गए होंगे तो आप, या कोई भी लाइन दी गई है तो उसके पॉइंट पुट करके लाइन आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आपको आपने इतना पढ़ रखा है तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं सीबीएसई में पूछा हुआ गया एक कोई भी क्वेश्चन, जिसकी हेल्प से आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूंगा। हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हुआ हो, तो अभी क्वेश्चन की हेल्प से, कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉन्सेप्ट डायरेक्टली नहीं समझ आता तो क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सीबीएसई 2017 में पूछा गया है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड द लाइन रूट 3y इज इक्वल टू एक्स इन द क्वाड्रेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इंटीग्रेशन का हमें यूज करना है। कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, तो आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ये एक सर्कल की क्वेश्चन है। मैं फिगर यहां पर ड्रॉ करता हूं, एक ये सर्कल की क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि जैसे यहां पर जो ये सर्कल है एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी 4 का स्क्वायर, 16 का मतलब हम लोग 4 का स्क्वायर, यानी कि जो रेडियस है यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा वो हो जाएगा 4, 0, वो हमारा पॉइंट होगा 4, 0। और दूसरा जो लाइन हमारी ड्रॉ हो रही है वो हो रही है रूट 3y इज इक्वल टू एक्स। तो आप लोगों को पता होगा कि y इज इक्वल टू एक्स की लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होके जाती है, तो लाइन आपकी पास तो यहीं से होके जाएगी क्योंकि ये जो लाइन है वो आपकी y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म की ही है। तो या फिर y इज इक्वल टू 2x होती, y इज इक्वल टू 3x होती, y इज इक्वल टू कितना भी, y इज इक्वल टू mx अगर आपको मिल रहा है तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन से जाएगी और इस तरफ के लिए जाएगी। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि वो लाइन इस तरफ से तो नहीं जाएगी, तो वो y इज इक्वल टू माइनस mx होगा, तब उस कंडीशन में आपका यहाँ से लाइन पास होकर जाएगी। तो y ये हो गया हमारा। अब हमें फिगर तो मिल गया, अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो पॉइंट है, मतलब हमें फर्स्ट हमें कौन सा एरिया चाहिए जो लाइन के और सर्कल के दोनों के बीच में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये वाला एरिया दोनों में ही बाउंडेड है। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि ये जो एरिया है हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो इतना पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन जो मैंने किया है,
इसको आप समझिए, यहां पर ये पॉइंट, यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्शन है, और यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 0.0 से लेकर के यहां तक जो एरिया है वो लाइन से कवर्ड एरिया है, और यहां से लेकर यहां तक ये जो एरिया है वो सर्कल से कवर्ड एरिया है। तो ये दोनों एरिया हम लोग यहां से निकाल लेंगे। जैसे हम लोग ये दोनों एरिया यहां पर निकालेंगे तो ये टोटल एरिया जो हमें चाहिए वो आ जाएगा। अब कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि ये अप साइड वाला एरिया क्यों नहीं लेंगे, ये भी डाउट आपके मन में आ सकता है। तो आप क्वेश्चन को अपने रीड करिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल, सर्कल और लाइन, सर्कल और लाइन। और जैसे ये जो लाइन बना रही है तो ये जो नीचे का जितना भी एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया ये कवर करेगी, जितना भी एरिया नीचे का है। तो यहां से जैसे 0 से लेकर यहां तक लिखा तो जितना भी नीचे का एरिया वो कवर करेगी, ऊपर से इसका मतलब नहीं है। यहां से लेकर यहां तक ये सर्कल कवर करेगा। तो अब आपको क्या करना है, जो एरिया बाउंडेड, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमें निकालना है वो क्या होगा, वो होगा एरिया बाउंडेड बाय लाइन प्लस एरिया बाउंडेड बाय सर्कल। ये इस तरह से निकल के आएगा। लाइन से बाउंडेड है तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर, अब कहां तक इंटीग्रेशन इसका करना है वो ये पॉइंट हमें अभी फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। और यहां पर हम लोग लिखेंगे y इक्वेशन ऑफ लाइन, यहां पर क्या आएगी आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन dx, ठीक है। दूसरी चीज प्लस, अब यहां से जो भी पॉइंट हमें हमारा यहां पर आएगा वो वाला पॉइंट से लेकर के 4 तक y dx, यहां पर आएगी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल से। इस तरह से आपका एरिया निकल के आएगा। अब जो लाइन की इक्वेशन अगर y इक्वल टू से हम लोग निकालना चाहें तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x अपॉन रूट थ्री, यानी कि आपको यहां पुट करना है x अपॉन रूट थ्री dx। ये रूट थ्री बाहर आएगा इंटीग्रेट जब करना चाहेंगे। और जो लाइन की, जो सर्कल की इक्वेशन आएगी y इक्वल टू में, वो आपकी आ जाएगी y इक्वल टू 4² माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। तो प्लस 4² माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे और साथ में क्योंकि बाय ये अंडर रूट है तो इसमें लग जाएगा अंडर रूट, क्योंकि y की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। पहले भी मैंने आपको समझाया था कि आपको यहां पर y की वैल्यू निकाल के रखनी है। तो यहां से y की वैल्यू निकाली x अपॉन रूट थ्री, यहां से दूसरे सर्कल से y की वैल्यू निकाली 4² माइनस x स्क्वायर dx। अब आपको पहले जो पहला वर्क आपको करना है वो ये जो अननोन पॉइंट अभी तक हम लोगों ने नहीं निकाला है वो निकालना है। तो आगे की वीडियो में हम लोग ये देखते हैं कि पॉइंट कैसे निकालेंगे और उसके बाद इसका परमानेंट सोल्यूशन और आंसर कैसे आएगा जिससे कि आपको 6 मार्क्स मिल जाएं। अब तक हम लोग जान लेते हैं कि कितने मार्क्स आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करने पे मिल जाएंगे, क्योंकि 6 मार्क्स का है। आपको फिगर का 1 मार्क्स मिलता है, अगर आपने करेक्ट फिगर बनाया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ये जो आपने इक्वेशन फॉर्म कर दी इसका 1 मार्क्स मिलेगा, इंटीग्रेशन की फॉर्म में वैल्यू चेंज करके लिख दी इसका आपको मिलेगा फिर इंटीग्रेट करने का और आंसर का, और 1 मार्क्स आपको मिलेगा ये वैल्यू फाइंड करने का। तो हमें अभी इंटीग्रेट करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके साथ में आपको एक काम और करना है इसमें कि आपको किस, आप किस तरह से ये इंटरसेक्शन पॉइंट से की वैल्यू निकालते हैं, तो हम लोग आगे की वीडियो में यही देखने वाले हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये देखने जा रहे हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग ये वैल्यू। तो आप देखिए यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आएगी 1/√3x, और ये वैल्यू हम लोग अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मतलब y की जगह हम लोग को पुट करना है 1/√3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4² एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x² 4² तो ये आपका आ गया 4x² अपॉन में 3 रहेगा, ये आपका हो गया 16 3 जा 48, एक्स स्क्वायर आपका आ गया 4 से इसको कट कर दीजिए 12 √12, यानी कि √12 को आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2√3, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी। तो ये जो वैल्यू हमें मिल गई वो मिल गई 2√3, 0 2√3, 0
यहां से निकाल ली। अगर हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही चाहिए हो तो हम लोग यहां पर इसको y में रख देंगे, y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू 2√3, ये कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आपकी आ गई 2। तो ये जो पॉइंट आपको मिला 2√3, 2, ये पॉइंट आपको मिल गया। तो जो आपको लिमिट बनी है आपकी 0 से लेकर 2√3 और 2√3 से लेकर के आपको 4 तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ 2√3, 0 से 2√3 और 2√3 से 4। अब बात आती है इंटीग्रेशन की, इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं, 1/√3 को बाहर ले लीजिएगा और ये बॉक्स में ऐसे बंद करते हैं, x²/2। फिर आपको सिर्फ 0 और 2√3 डालना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आपका आता है ये 4² - x², इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो एक्सरसाइज इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.7 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसमें क्या था, x/2, फिर यही चीज़ लिखते हैं 4² - x², बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं इसको। फिर आपका आता है -+a²/2, a यहाँ पर कितना है 4² / 2 साइन इनवर्स x/a, यानी कि 4। ये वैल्यू फिर आपको यहाँ से कितना डालना है, 2√3 और 4। तो अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है तो आपने अच्छे से सीखा होगा कि ये वैल्यू कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे आप ये पुट करेंगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा और 6 मार्क्स आपके डेफिनेटली श्योर आपके हो जाएंगे। तो इतना ही होता है इस क्वेश्चंस में। आगे की जो वीडियो जो कल आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली आपको एक चीज़ और इसमें सीखनी है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय द इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल और कुछ एक दो क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर में, और बाकी आप करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट आता है, कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट करिएगा। अगर और क्योंकि डेली ही रिविजन की वीडियो आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके कोई डाउट हैं तो ज़रूर मुझसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।